आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस कौन से होते हैं, तो इसके लिए आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड जो फॉर्मूलाज होंगे वो भी हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आप पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, उसके कंसेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कीजिए। तो जो बेसिक फॉर्मूलाज हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की। ये हैं बेसिक फॉर्मूलाज इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के लिए। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन साइन इनवर्स एक्स बाय ए, इसे हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखी उसमें जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास साइन इनवर्स के फंक्शन सॉल्व करने के लिए था वो था डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास में x का फंक्शन था और यहाँ पर हमें x बाय ए दिया हुआ है, मतलब हमने यहाँ पर फिर से चेन रूल अप्लाई करना होगा और x बाय ए को t के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। तो चलिए वो मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम t इज इक्वल्स टू x बाय ए। तो इसीलिए अभी हमने इसे ऐसा लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स टी। अब इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय ए is equals to d by dx sin inverse t। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं sin inverse t t का एक फंक्शन है, इसीलिए पहले हमें इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं d by dt sin inverse t into d by dx। और यहाँ पर हमने देखा था कि जो t की वैल्यू हमने अज्यूम की थी वो थी t इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए, सो डी टी बाय डी एक्स, क्योंकि t x का एक फंक्शन है। अब यहाँ पर फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वही होगा जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था साइन इनवर्स x के लिए, क्योंकि d बाय डी एक्स साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं टी के फॉर्म में, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स। टी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करते हैं, टी की वैल्यू है एक्स बाय ए, सो यहाँ पर एक्स बाय ए है। अब आगे अगली लाइन में एक्स बाय ए को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। अगली लाइन में 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, और x बाय ए का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 बाय ए क्योंकि कांस्टेंट है, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी 1। अब यहाँ पर आगे हम t की वैल्यू भी पुट करते हैं, सो 1 बाय 1 माइनस t की वैल्यू थी हमारे पास में x बाय ए, और यहाँ पर स्क्वायर है सो x बाय ए का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय ए। आगे सिंप्लीफाई जब हम करके इसे लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1 बाय ए। अगली लाइन में जब हम एलसीएम लेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास में होगी वो होगी 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1 बाय ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है वो भी अंडर रूट के अंदर, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है सो ये न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय ए, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट a² - x²। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे पास में डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन था d/dx साइन इनवर्स x/a, वहाँ डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर हमें मिल गया है। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए, वो है कॉस इनवर्स 2x। इसका हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं जब 2x है इसकी जगह पर हमारे पास में x होना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फार्मूला हमने पढ़ा था वो था d/dx cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x². सो 2x को हमें सबसे पहले t अज्यूम करना होगा और यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम t इज इक्वल्स टू 2x। सो जो t इज इक्वल्स टू 2x हमने यहाँ पर अज्यूम किया है, इसीलिए cos इनवर्स 2x को हम देख सकते हैं cos t। अब इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d/dx cos इनवर्स 2x इज इक्वल्स टू d/dx cos इनवर्स t। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि cos इनवर्स t का एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, इसीलिए हमें इसे सबसे पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। सो d/dt cos इनवर्स t इंटू t की वैल्यू हमने यहाँ पर अज्यूम की है t इज इक्वल्स टू 2x, मतलब t x का एक फंक्शन है, इसलिए हम t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dt/dx। अब यहाँ पर cos इनवर्स t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वही होगा जो हमने x के लिए यूज़ किया है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला d/dx cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x² वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस t² इंटू d/dx t की वैल्यू पुट करते हैं 2x। नेक्स्ट लाइन में 2x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में t की वैल्यू एज इट इज -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस t² इंटू 2x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 2, क्योंकि कांस्टेंट है एज इट इज, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू हमने जो वैल्यू अज्यूम की थी 1 माइनस t वॉज 2x² इंटू 2, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल्स टू 1 into 2 minus 2 divided by under root 1 minus 2 to the 4 x². ये है हमारे पास में डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर जो कि हमें फंक्शन गिवन था उसके लिए।